क्या जानना चाहते हैं आप उसके बारे में? किताब के बारे में, हाँ जर्नी। हाँ, मैंने बताया अभी, आप थे शायद ऑडियंस में, मैंने, हाँ लेकिन मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि मैंने तीन लाइन की एक पोएम लिखी थी, मेरे दोस्त ने बताया कि ये हाइकू बन सकता है, इसको थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा। मैंने वो किया और इस तरह से मेरा सफ़र शुरू हो गया। और फिर मैंने जैसे बताया आपको, एक के बाद एक, एक के बाद एक हाइकू मेरे दिमाग में आते गए, कभी कभी तीन चार हाइकू एक साथ आ जाते थे और मेरे पास कलम और कागज़ नहीं होता था लिखने के लिए, तो मुझे जो याद रह गए वो मैंने दर्ज कर दिए कागज़ के ऊपर। और फिर मुझे 125 हाइकू के बाद हाइकू आना बंद हो गए, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। फिर मुझे कोशिश करनी पड़ी, मैं कोशिश नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था स्पॉन्टेनियसली आए। तो 125 में से मैंने 101 चुने और उनको एक किताब का रूप दिया। मैं आज बुक का लॉन्च हुआ, आपको हाइकू जब पढ़ा आपने तो उसके आपको कैसा लगा और क्या वजह थी देखिए, एक तो ये पोइट्री है और किसी भी तरह के आर्ट को सपोर्ट करना खुशी देती है। खासकर पोएम्स पढ़ना एक अंदरूनी शांति देती है मुझे एटलीस्ट, और इनकी कविताएं, इनकी हाइकू पढ़ के कभी मुस्कुराने का मन किया, कभी मतलब बिल्कुल एक गहरी सोच इंस्टिल कर किया उनके पोएम, उनके हाइकू ने। तो मुझे इनकी इसकी खासियत यही लगती है कि ये बहुत ही कम अल्फाज में, संक्षेप में बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। और इस पर्टिकुलर हुनर का कि कम में ज़्यादा कह जाना, मैं इस चीज़ को बहुत ही एडमायर करती हूँ। और मुझे इनकी लिखाई बहुत ही पसंद आई और मुझे लगा कि अगर मैं इस चीज़ का हिस्सा बन सकती हूँ, सो व्हाई नॉट। अभी तक ऐसा मौका हुआ नहीं है, क्योंकि फिल्मों में कविताएं अक्सर जो हम यूज़ करते हैं वो गाने के तौर पर होती हैं, और अगर तीन लाइनों में गाना हम ख़त्म कर दें तो दर्शक हमको क्या कहेंगे वो आप भी जानते हैं। तो लेकिन आइडिया अच्छा है, और मतलब कभी अगर ऐसा हुआ और मौका मिला तो मैं तो मतलब उसको हाथ से जाने नहीं दूंगी। आपका क्या कहना है कि अगर आपको अगर मौका मिलता है, हाँ, लिखने का? मैं हर लिखने के मौके की तलाश में रहता हूँ, चाहे फिल्मों के लिए हो या बुक्स के लिए हो। फिल्मों तक मैं अभी तक नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन ख्वाहिश तो है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा दो लाइन में, जो अधूरी ख्वाहिशों ने ज़िंदा रखा है मुझे, ये मेरा लिखा हुआ है, अधूरी ख्वाहिशों ने ज़िंदा रखा है मुझे, मिल जाता सब अगर तो जीता मैं किस लिए। तो जब तक जान है तब तक कुछ ना कुछ कोशिश करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। और मैं इसलिए नहीं लिखता कि लिखना है, इसलिए लिखता हूँ कि अंदरूनी एक आवाज़ आती है, मेरा दिल चाहता है लिखने के लिए। आई लव टू राइट, आई एम पैशनेट अबाउट राइटिंग। मैम, इस किताब के बारे में खुद की पर्सनल राय क्या है और तरह से कैसे प्रमोट करना? प्रमोट मतलब दोस्त हैं बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं जो खुद किताब लेकर जाएंगे, वो और लोगों को बोलेंगे, आप हैं जो और कई लोगों को तक ये बात पहुँचाएंगे। इस किताब में खासियत ये है कि ये मतलब इंद्रधनुष की तरह है, इसमें कई रस और रंग हैं, हर एक इमोशन इसमें कैद है। कोई भी पन्ना, कोई भी सफ़ा आप पलट लीजिए, कोई एक दिन के लिए आपको एक इमोशन मिल ही जाएगा इसके अंदर, उससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। आपकी अभी राजी सक्सेसफुल हुई, अभी सुनने में तलवार पार्ट टू बन रहा है। तलवार पार्ट टू मैं नहीं बना रही हूँ, सुनने में मैं नहीं बना रही हूँ ना। तो अभी आपका नया कौन सा प्रोजेक्ट जो हमारे देश के फील्ड मार्शल सैम मानिक शॉ हैं, उनके जीवन के ऊपर, इट्स नॉट अ बायोपिक,
another matlab Razi was also not a biopic but unki zindagi ko matlab se juda hua darshana chahti hu ji. Son of a genius. Yeah, excuse me. I can't do that selfishly.